और रोहित का कातिल संजय अपने दोस्तों समेत चढ़ गया पुलिस के हत्थे। परसों मंगरा कोतवाली के अंतर्गत आसफनगर झाल से मिली है, जिसमें इसके परिजनों द्वारा इसकी शिनाख्त की गई और उसमें ज्वालापुर पुलिस के द्वारा आकर यहां पर इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई गई है। कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा दर्ज था हत्या का और इसमें आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो गई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि हमें इसको नदी में फेंका गया था। इसकी बॉडी की रिकवरी परसों आसफनगर झाल से हुई है। ये सनसनीखेज वारदात रुड़की के मंगलौर थाने की है। दरअसल रोहित का कातिल संजय अंधविश्वासी था। इसी अंधविश्वास के चलते रोहित से संजय ने दो मुहे सांप को पाने की ख्वाहिश जाहिर की। रोहित ने ही संजय से दो मुहे सांप का जिक्र किया था और कहा था कि दो मुहे सांप को रखने से दौलत बेशुमार हो जाएगी। फिर क्या था, सांप को पाने की चाहत में संजय 90,000 रुपए देने के लिए तैयार हो गया और रुपया पहुंच गया रोहित के तस्कर दोस्त रियाज अली के पास। लेकिन रकम देने के बावजूद भी संजय को सांप नहीं मिला। सांप नहीं मिलने से नाराज संजय ने रोहित को मौत के घाट उतार दिया। एक गैंग था जो कपिल और नागेंद्र वगैरह चलाते थे, इसके तार जो है लखीमपुर खीरी तक जुड़े हुए हैं और ये सांपों की तस्करी करते थे, जो कपिल नागेंद्र, संजय त्यागी, पूरन त्यागी और उसकी पत्नी सीमा त्यागी, ये वहाँ पे पकड़े भी गए और वहाँ इनमें पुलिस की रिपोर्ट भी इनके पास हुई, इनकी पिटाई भी हुई। उसी के एवज में जब ये वापस आते हैं 16 तारीख में, तो उसी खुंदक को निकालने के लिए इन्होंने जो है रोहित को अपनी पत्नी और एक लड़की लाली नाम की, इनके पास में भतीजी संजय त्यागी की, उसके थ्रू इसे बुलवाया अपने घर पे और प्लान बना के इसकी हत्या की। इस वारदात से इलाके में सनसनी है। पुलिस ने रोहित के कातिलों को गिरफ्तार कर मुकदमा कायम कर लिया है। वहीं 90,000 रकम लेने वाला रियाज पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल पुलिस तस्कर रियाज अली की तलाश में जुट गई है। लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है कि अंधविश्वास एक ऐसा रोग है जिसका इलाज मुमकिन नहीं। लेकिन इसी अंधविश्वास की भेंट आज भी ना जाने कितने बेगुनाह चढ़ जाते हैं। आरिफ नियाजी, रुड़की, समाचार प्लस। उनकी उम्र खेलने कूदने की है, पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन देखिए एक गलती ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। बहुत अफसोस की बात है कि 10-15 साल के ये बच्चे कातिल बन गए। जी हाँ, एक मामूली सी बात पर अपने एक हम उम्र दोस्त का कत्ल कर दिया और फिर पुलिस के मेहमान बन बैठे। खेलने कूदने की उम्र, पढ़ाई लिखाई का दौर, छोटी छोटी उम्र, छोटी उम्र के इन बच्चों ने मचा दिया कोहराम। एक मामूली सी बात पर 3 नाबालिगों ने एक नाबालिग का कत्ल दिया अंजाम। तारीख थी 12 सितंबर 2012, जिस दिन तस्वीर में दिख रहा शेरा दोस्तों के साथ खेलने की बात कहकर घर से निकला था। दोपहर से रात हुई, रात से सुबह, लेकिन शेरा का कुछ पता नहीं चला। घर वाले परेशान थे, बच्चा 24 घंटे से लापता था।
तलाश शुरू हुई। हर मुमकिन जगह शेरा को तलाशा गया, लेकिन घर वालों की तलाश 14 सितंबर दिन शुक्रवार को उस वक्त खत्म हुई जब 8 साल के शेरा की लाश गन्ने के खेत से बरामद की गई। मासूम शेरा के घर वाले उसकी लाश देखकर बदहवास हो गए। पुलिस को इत्तला दी गई। मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की, कत्ल की कड़ी दर कड़ी तहकीकात की, और फिर जिस राज का पर्दाफाश हुआ उसने घर वालों को तो क्या, पुलिस को भी सन्न कर दिया, क्योंकि नाबालिग के कातिल नाबालिग थे। शेरा का कत्ल उसके 3 दोस्तों ने अंजाम दिया था। यहाँ बच्चों ने ही आपसी लड़ाई झगड़े छोटी मोटी बातों पर होती थी उसके कारण की, और दोनों बच्चे जो उसमें अभ्यर्थ अपने कन्फेस कर रहे हैं, ये और ये 14-13 साल के हैं। इसमें मोलू 14 साल का है, नीतू 13 साल का है। जो तीसरा बच्चा है सागर बताया जाता है, जिसको नहीं मिल पाया, ये 15 साल का बताया था। बच्चों आपस झगड़े को क्या पड़ो, आपस में काफ नहीं हुई, झगड़ा मत। वाक्या बागपत के थाना बिनौली का है। थाने के अंदर पुलिस के साथ परेड कर रहे इन दो नाबालिगों को देखी। तस्वीर धुंधली जरूर है, लेकिन हकीकत कड़वी है। जी हाँ, दोनों नाबालिगों पर लगा है कत्ल का इल्जाम। अपने एक हम उम्र दोस्त शेरा की हत्या का आरोप। इनका एक साथी अब भी फरार है, लेकिन कत्ल की वजह सुनिएगा तो आप भी दंग रह जाएंगे। पकड़े गए दोनों नाबालिगों का कहना है कि शेरा अक्सर गाली गलौज करता था, अपने बड़े भाई से पिटाई करवाता था। इसी बात की नफरत पाले तीनों नाबालिगों ने साजिश रची। साजिश के तहत शेरा को खेत पर बुलाया गया और फिर रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, शेरा की लाश ठिकाने लगाने के लिए गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। रोज अपने भाई से पिटवा, पूरा बताओ, पूरा कैसे कैसे करा तुमने, पूरा बताओ। परेशान नहीं बताओ, मेरे से पकड़ लिया। अच्छा। पकड़ के हमने तो जी बीच लिया था, और जो दूसरा था मेरे से उसने भरा। क्या नाम है इसका जो दूसरा था? सागर। और इसने पैर फिर जी वो मर गया, फिर जी उस दूसरे ने जो नाड़ा खोल के जो उसका नाड़े पकड़ के खींच लिया नाड़ा, और फिर छोड़ के वहीं आ गया सर। वो अपने भाई से पिटवा था। फिलहाल शेरा की हत्या पर पड़ा पर्दा उठा दिया गया है। दो नाबालिग पुलिस गिरफ्त में हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर बाल सुधार गृह भेजने की तैयारियां कर ली हैं। साथ ही शेरा के फरार तीसरे नाबालिग कातिल की भी तलाश में जुटी है। लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है कि देश का भविष्य गलत रास्ता अख्तियार कर चुका है, जिसकी मंजिल बेहद खौफनाक है। अजय कुमार, बागपत, समाचार प्लस। वो यूपी पुलिस का एक सिपाही था, हापुड़ का रहने वाला था और मेरठ जिले के एक महिला थाने में तैनात था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि कानून के इस रखवाले ने अपनी जान देना मुनासिब समझा। फिलहाल सिपाही की मौत एक पहेली बनी है, क्योंकि घरवाले आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं और साथ ही एक रिश्तेदार पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। कानून का एक रखवाला, मौत पर सस्पेंस, बेवक्त मौत ने उठाए कई सवाल। सुसाइड या मर्डर, नहीं मिला कोई जवाब। पुलिस की तहकीकात
जारी। घर में मचा कोहराम। सफेद कपड़े में लिपटा पड़ा शव कांस्टेबल संतरपाल नागर का है। संतरपाल हापुड़ के थाना सिंभावली के रहने वाले थे। मेरठ के एक महिला थाने में सिपाही के पद पर तैनात थे, लेकिन उनकी बेवक्त मौत ने कई सुलगते सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन, ऐसा क्या हुआ था कि संतरपाल को जिंदगी जीना भारी लगने लगा? आखिर क्यों मौत को गले लगाना संतरपाल ने मुनासिब समझा? किस लिए खुदकुशी कर ली संतरपाल ने? क्या किसी साजिश का शिकार बने हैं संतरपाल नागर? यही कुछ सवाल हैं जो यूपी पुलिस के सिपाही संतरपाल नागर की मौत के बाद पुलिस के लिए सिर दर्द बने हैं। संतरपाल का शव गांव के पेड़ पर रस्सी से लटका पाया गया। घर वाले खबर मिलते ही मौकाए वारदात पर पहुंचे और शव नीचे उतार कर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने संतरपाल की तलाशी के दौरान एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसका मजमून पुलिस ने अभी तक आम नहीं किया है। ये संतरपाल नागर है, पुलिस कांस्टेबल है, जो जिसकी पोस्टिंग वर्तमान में महिला थाना मेरठ में है, जहां ये गाड़ी चलाता है। और ये आज इसकी डेड बॉडी, इसका जो घर है, इसके पीछे एक आम का बैग है, उसके एक पेड़ पे लटका हुआ मिला है। इसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। संतरपाल नागर हापुड़ के गांव हिम्मतपुर में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी मौत की खबर ने हर तरफ कोहराम मचा दिया। खबर जंगल की आग की तरह इलाके में फैल गई। हर शख्स मौत का ये मंजर देखने के लिए पहुंच गया। पुलिस अपनी जांच में जुट गई। पुलिसिया पड़ताल के दौरान घर वालों ने सुसाइड मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि संतरपाल की हत्या की गई है और कत्ल की साजिश का मास्टरमाइंड उनका रिश्तेदार और यूपी पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मेनपाल है। हम हत्या नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी, इनका मर्डर हुआ है 100% का 100% बता सकती हूँ मैं। बताया जाता है कि उनके पास से कोई सुसाइड नोट मिला है? हाँ, वो लगा के दिया है, उनके गले में डाल रखा है। तो आपको क्या लगता है कि किसने हत्या किसने की होगी इनकी? मैनपाल ने करी है, बाकी किसी ने नहीं करी होगी। मैनपाल कौन है, क्या करते हैं? उनका चाचा लगता है, इंस्पेक्टर है वो, सहारनपुर में उसका मकान है। संतरपाल की मौत फिलहाल एक पहेली बनी है। पुलिस ने उनकी लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। वहीं घर वालों के बयान पर अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही संतरपाल की मौत पर गहराया सस्पेंस दूर कर दिया जाएगा। मोहम्मद शाहिद, हापुड़, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बेदिल बाप की हैवानियत। मीठा मैजिक फ्रॉम पास पास, इट्स मीठा, इट्स मैजिक। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस को मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। केवल मीडिया प्रोफेशनल ही नहीं, ये है लोकतंत्र के पहरेदार। इनका अनुभव देता है, इनके सवालों को धार। झूठ से है इनकी दुश्मनी और सच से है इन्हें प्यार। इनके साथ रहिए बाखबर और होशियार। देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। उत्तराखंड यानी देवताओं की भूमि, जहाँ चप्पे चप्पे पर है ईश्वर का निवास। हिंदुस्तान का ये नया राज्य
अब 12 साल पुराना हो चुका है। इस दौरान यहाँ ना तो विकास की गति बढ़ी, ना किसी ने जनता की लड़ाई लड़ी, लेकिन